मध्य प्रदेश में 2 दिन की मामूली राहत के बाद एक बार फिर जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया है। एमपी में बिना स्ट्रॉन्ग सिस्टम के भी एक बार फिर आसमानी आफत दस्तक देने वाली है। यही कारण है कि आईएमडी यानी मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा 23 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश के 3 जिलों में होगी भारी बारिश और कहाँ होगी अति भारी बारिश, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन। दरअसल मध्य प्रदेश में बीते दिनों लगातार हुई मूसलाधार बारिश से पहले ही मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर, तवा, बरगी समेत अधिकांश डैम के गेट खोल दिए गए थे, तो वहीं नदी नाले अपना रौद्र रूप दिखा रहे थे। तो वहीं 2 दिन की राहत के बाद अब प्रदेश में बिना सक्रिय, बिना किसी स्ट्रॉन्ग सिस्टम के प्रदेश में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें प्रदेश के 6 जिले दमोह, जबलपुर, पन्ना, सागर, सतना, मैहर में अति भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। इसके अलावा प्रदेश के 55 जिलों में से 23 जिलों में भारी बारिश की वार्निंग भी आईएमडी ने जारी की है, जिनमें छतरपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, निवाड़ी, रीवा, सिवनी, शहडोल, टीकमगढ़, उमरिया, पांडुना, अशोकनगर, बैतूल, भिंड, दतिया, नर्मदापुरम, रायसेन, शिवपुर कला और विदिशा शामिल है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली टर्फ लाइन एमपी के ऊपरी भाग यानी उत्तर प्रदेश के पास से होकर गुजर रही, तो वहीं झारखंड और छत्तीसगढ़ के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम बना हुआ है, जिससे लगातार नमी प्रदेश में आ रही है, जिसके कारण जबलपुर समेत आसपास के हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो प्रदेश में अभी तक सामान्य से 21.0 इंच से ज्यादा 24.7 इंच बारिश हो गई है, जिसके चलते प्रदेश के नदी नाले उफान पर चल रहे हैं और तवा, बरगी, ओंकारेश्वर समेत कई बांधों के गेट खुलने पड़े थे। 2 दिन की मामूली राहत के बाद दोबारा से आसमानी आफत से ये तो साफ है कि प्रदेश के इन 6 जिलों में बाढ़ के हालात बन सकते हैं। तो वहीं 12 अगस्त के बाद एक बार फिर स्ट्रॉन्ग सिस्टम एमपी में आने की संभावना है, जिसके कारण एक बार फिर से झमाझम बारिश का दौर देखा जा सकता है। यही कारण है कि अभी से ही राज्य सरकार ने इसको लेकर अलर्ट पर आ गई है। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश से रिपोर्ट।